नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूँ राजीव बोल और आप देख रहे हैं ज्ञान टोल। दोस्तों, SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर असम काहलीपीरा की तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ SCERT की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह हमें पास कैटेगरी के पोस्ट दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में है लोअर डिवीजन असिस्टेंट, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो LDA यानी कि लोअर डिवीजन असिस्टेंट है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है और ST प्लेन्स के लिए 3 पोस्ट है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना है किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स में। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन DTP, टाइपराइटिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपको DTP की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना है साइंस सब्जेक्ट में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और इसके बाद आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनके लिए आपका ग्रेजुएशन होना है और लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में आपका नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन होना है किसी भी सब्जेक्ट में जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स है। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए, डाटा एंट्री आपका जानना ज़रूरी है। इसके बाद आता है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना है और आपको जो शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है ITI से, वो आपको होना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, आइए अभी देखते हैं दूसरे कैटेगरी में क्या क्या पोस्ट है। तो सेकंड कैटेगरी का फर्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट इंस्ट्रक्टर आर्ट्स के लिए, इसके लिए आपका BA होना चाहिए और इसके साथ साथ BEd कंपलसरी है। और अगर आप MA किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आते हैं असिस्टेंट टीचर आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका BA और BEd होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप MA किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए यहाँ पे BSc होना ज़रूरी है और उसका भी मेजर आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd होना ज़रूरी है। अगर आपने MSc किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पे BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और BEd डिग्री होना चाहिए। और अगर आपने MEd किया है और MA किया है इंग्लिश में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पे आपको BSc या फिर BA होना चाहिए। BSc है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में होना चाहिए और BA होना से आपको इंग्लिश में होना है। इसके साथ साथ BEd डिग्री कंपलसरी है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, MSc यानी कि MA किया हुआ है, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। फिर आते हैं नॉर्मल इंस्ट्रक्टर। नॉर्मल इंस्ट्रक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है साइंस में या फिर आर्ट्स में, लेकिन इसके साथ साथ जो BEd डिग्री है इसका कंपलसरी है। और इसके बाद है इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर के लिए आपका BA और BEd होना ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में आता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइन आर्ट्स, कैन, बेम्बो, कटिंग और नाइटिंग एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर मैनुअल इंस्ट्रक्टर, इसके लिए आपका फाइन आर्ट्स में डिग्री होना चाहिए और BEd होना चाहिए। फिर ऑक्स पोस्ट है वर्क एक्सपीरियंस टीचर, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एंड वन हु कम्प्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको हैंडीक्राफ्ट में सर्टिफिकेट कोर्स किया करना होना चाहिए। फिर है ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपको फाइन आर्ट्स में डिग्री होना चाहिए, इसके साथ साथ अगर आपके BEd है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर फोर्थ कैटेगरी में है म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, इसके लिए आपको म्यूजिक में बैचलर डिग्री करना होना चाहिए। फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ जो कैटेगरी है वो है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन के लिए आपको लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में ग्रेजुएशन होना है, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए। बताते हैं आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अप्लाई करने के लिए आपको scrt.assam.gov.in पे जाना है और ये लिंक एक्टिवेट हो रहा है 2 नवंबर 2020 रात से 22 नवंबर 2020 तक। सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, बाय पोस्ट या बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसके। तो शुक्रिया दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।